हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ न्यू मॉम एंड बेबी ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग है, उसमें मैं आपको रेसिपी बताने वाली हूँ प्रॉन्स करी की रेसिपी। देखिए इस तरीके से बनेगी प्रॉन्स की रेसिपी करी। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कि कैसी आप लोगों को कैसी लगी है। और प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और भी इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए। तो देखिए इसका लुक आप देखे समझिए कितनी यम्मी बनी थी। मैं आपको तो टेस्ट बता सकती हूँ, लेकिन आपको ट्राई करेंगे तभी पता चलेगा। तो यहाँ पर मैंने 1/2 kg प्रॉन्स लिया हुआ है, ठीक है। ये इतने साइज़ का है, 1 फिंगर के साइज़ का है। देखिए इस तरीके के ये वाइट प्रॉन्स है। आप ये रेड प्रॉन्स के साथ भी इसी तरीके की ग्रेवी बना सकते हैं। देखिए इसको पील करना बहुत आसान है। आप हेड और टेल को ऐसे खींच के निकाल सकते हैं और बीच में का साफ़ कर सकते हैं। अगर आप नहीं चाहते हैं बीच में साफ़ करना तो भी वो आप रख सकते हैं, काफ़ी लोग ऐसे ही रखते हैं। तो मुझे इस तरीके से क्लीन करना बहुत अच्छा लगता है। देखिए तो देखिए इस तरीके से मैंने क्लीन कर लिया था। अभी इसमें जो एक ब्लैक ई रहता है, क्योंकि बड़े प्रॉन्स में ही ऐसे आता है, तो इसको आप इस तरीके से क्लीन कर सकते हैं। देखिए ये अब एकदम क्लीन हो गया है। देखिए यहाँ पे मैंने मैरिनेशन के लिए हल्दी थोड़ा सा और रेड चिली पाउडर और नमक और थोड़ा सा 1 टेबल स्पून के करीब मैंने लेमन डाल दिया है। इसको हम लोग मैरिनेट करने के मैरिनेशन के लिए रख देंगे। ज़्यादा मैरिनेशन की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि बहुत जल्दी गल जाता है। तो इसको 15 से 20 मिनट के लिए आप मैरिनेशन के लिए रख सकते हैं। यहाँ पर 2 टेबल स्पून के करीब ऑयल लेके आप इसको थोड़ा सा फ्राई कर लीजिए। इससे जो फिश का स्मेल होता है वो चला जाता है और ग्रेवी में उस तरीके की स्मेल, कच्ची स्मेल नहीं आएगी। देखिए यहाँ पे इसने अपना काफ़ी पानी छोड़ दिया है, तो इसे अभी हम लोग खुले ही इसमें क्लीन कर ले, मतलब इसे ठीक कर लेंगे। यहाँ पे ऑयल तो सेपरेट हो गया, इसको क्लीन कर लिया। उसी पैन में मैंने 2 टेबल स्पून के करीब अगेन ऑयल लिया है। इसमें रफली चॉप मैंने ऑनियन, 2 मीडियम साइज ऑनियन लिए हैं और 4 ग्रीन चिलीज लिया है। और जैसे वो नरम होने लगेगा हम लोग यहाँ पे 2 मीडियम साइज टोमेटो ऐड कर देंगे। रफली चॉप करके इसे हम लोग को थोड़ा सा सिर्फ गलाना है, ढककर गलाएंगे इसे हम लोग। आप लोग इसी तरीके से रेसिपी ट्राई कीजिए, आपकी भी प्रॉन्स करी है जो बहुत अच्छी बनेगी और एकदम जैसे हम लोग होटल में खाते हैं रेस्टोरेंट में उसी तरीके से बनेगी। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर दिया है ताकि इसमें थोड़ा सा नरम हो जाए जल्दी। देखिए यहाँ पे ऑलमोस्ट हो गया है ये। इसे हमें ब्राउन नहीं करना है, बस इसे नरम करना है, क्योंकि हम लोग इसकी भुनाई हम लोग बाद में करेंगे, भुनेंगे अच्छे से, लेकिन बस इसको इतना ही नरम करना है। यहाँ पर फिर से मैंने 2 टेबल स्पून के करीब ऑयल ले लिया है। यहाँ पर ज़ीरा थोड़ा सा ऐड किया है और तेज़पत्ता और दालचीनी ऐड की है। और जो हमने इसका पेस्ट बना लिया था, इसमें पानी ऐड नहीं किया था मैंने बिल्कुल भी, इसी तरीके से पेस्ट बना लिया था। इसको हम लोग भून लेंगे इसी में। तभी जो बचा हुआ पानी है वो भी मैं ऐड कर दे रही हूँ, जो जार था उसको क्लीन करके, ताकि कुछ भी मसाला वेस्ट ना हो। तो इसे हम लोग ढक के थोड़ी देर पकाए हैं। उसके बाद में जिंजर गार्लिक पेस्ट मैंने डाल दिया है यहाँ पे और अब इसको भी हम लोग अच्छे से भून लेंगे। देखिए ये ऑलमोस्ट यहाँ पे हो गया है। अब इसमें हम लोग जो बेसिक मसाले हम लोग के ऐड करेंगे, क्योंकि हम लोग मैरिनेशन में डाला तो इसमें थोड़ा सा कम मसाले ऐड करेंगे। यहाँ पर धनिया पाउडर मैंने ऐड किया है, हल्दी भी एकदम काफ़ी कम ऐड की है, 1/4 टेबल स्पून के करीब। यहाँ पे ज़ीरा पाउडर मैंने ऐड कर दिया और यहाँ पे आमचूर, क्योंकि थोड़ा सा खटाई होगा अगर आपके पास तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास आमचूर पाउडर था, मैंने उसे ऐड किया है। इसे थोड़ा देर ढक के पकाएंगे हम लोग। देखिए ऑयल ऑलमोस्ट, ये मसाला जो है हम लोग का ग्रेवी ये पक चुकी है। अब इसमें ये ऑप्शनल है कि आलू डालना है या नहीं डालना है, बिल्कुल आपके ऊपर चॉइस है।
मुझे तो अच्छा लगता है वो फिश करी के साथ में पोटैटो ऑल, तो इसलिए मैं ऐड कर रही हूँ। आप ना चाहिए नहीं तो आप नहीं भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे यहाँ आलू को पकने के लिए मैंने थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है। यहाँ पे हम लोगों ने मैरिनेशन में भी नमक लिया था और हम लोगों ने ऑनियन में भी नमक डाला था, तो उस हिसाब से ही नमक टेस्ट करके अपने टेस्ट के हिसाब से डालिए। यहाँ पे जो हम लोगों ने फ्राई करके रखा था उससे हम लोग प्रॉन्स को भी ऐड कर देंगे। आलू जब हाफ कुक हो जाएगा तो हम लोग प्रॉन्स को ऐड कर देंगे और इसे धीमे आंच पर छोड़ना है। और यहाँ पे मैंने इमली का पानी इसमें डाला है, इसको गर्म पानी में मैंने भिगो के रख दिया था, तो ऐसे इस तरीके से आप छान कर डाल दीजिए। इससे बहुत ही एक अच्छा सा टेस्ट आता है और कोई भी फिश करी में थोड़ा सा खट्टा टेस्ट होता है तो बहुत अच्छा लगता है। आप लोग इस तरीके से रेसिपी ट्राई करके बताइएगा कि कैसे बनी है। और इसमें ज़्यादा कुछ टाइम नहीं लगता, देखिए कि ऑयल कितने अच्छे से सेपरेट हो गया। इसमें काफ़ी देर से पक रहा था, 5 मिनट के करीब इसको हम लोग को पकाना है। और इसमें मैंने थोड़ा सा गरम मसाला ऐड किया है। अगर आपके पास गरम मसाला नहीं है तो कोई भी आपके पास मटन चिकन मसाला जो भी होगा या फिर किचन किंग मसाला होगा यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। देखिए ऑलमोस्ट यहाँ पे पक गया है काफ़ी। हम लोगों ने आलू भी चेक कर लिया। यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा टेस्ट के लिए हम लोग यहाँ पे कोरिएंडर चॉप करके डाल दिए हैं। देखिए इस तरीके से थिक ग्रेवी, अगर आपको चाहिए तो आप इस तरीके से थिक ग्रेवी रख सकते हैं, अगर नहीं तो आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दीजिए और इसे थोड़ा 2 मिनट और बॉईल कीजिए तो आपका जो ग्रेवी है वो पतला ग्रेवी भी बन जाएगा। देखिए आलू यहाँ पे ऑलमोस्ट पूरा कुक हो गया और अभी हम लोग बंद भी कर देंगे तो इसके बाद भी ये पकते रहेगा थोड़ा देर, तो इस तरीके से मैंने इसको बंद कर दिया है। देखिए तो लास्ट में ये ग्रेवी इस तरीके से बनकर तैयार हुई थी, आप देख ही सकते हैं बहुत यमी है और बहुत डिलीशियस था। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे चैनल को प्लीज़ आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और स्टे होम स्टे सेफ, थैंक यू।